सखर सिंध का दूसरा बड़ा शहर, जहां मामूलाते जिंदगी इंतहाई मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहां बहुत सी इमारतें कदीम और मखदूश हालत में मौजूद हैं, जिनमें से एक ये है। पुराने लोग बताते हैं कि ये कभी स्कूल हुआ करता था। और यहां एक लड़की जो शायद तालबा थी, उसने खुदकुशी कर ली थी। जिसके बाद से स्कूल एक वीरान हवेली की शक्ल इख्तियार कर गया। और बकौल लोगों के, वो लड़की या उसकी रूह आज भी यहां मौजूद है। हमारे पीछे जो आपको एक हवेली नुमा इमारत दिख रही है, ये 1947 में स्कूल बना था। 4 साल तक ये स्कूल रहा और 1951 से लेके अब तक ये कुछ भी नहीं बना, ये वैसे का वैसे ही है। उन 4 सालों में कुछ ऐसे हादसे हुए जिसकी बात से स्कूल बंद कर दिया गया और बे इंतहा बेशुमार कहानियाँ वाकयात मंसूब हैं। हम पिछले 7-8 सालों से कोशिश कर रहे हैं इस घर के अंदर जाने की, इस हवेली के अंदर जाने की, और फिलहाल और फाइनली आपके गांव से एक अरसे बाद हमें मौका मिल गया है इस घर में जाने का। कूद के टॉर्चेस चाहिए होंगी यहाँ। तौबा यार, तौबा यार, तौबा। नीचे देख लो, नीचे देख लो। सुना 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 क्या ठंडक आ रही है? यहाँ पे यार ठंड सी महसूस हुई। हाँ यार, इस जगह का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट है। सही कह रहे थे सर, मिट्टी की तह जमी भी है। और यार ये क्या मुश्किल है यार, जीना टूट गया यार। इधर जल्दी। अल्लाह माफ करे। ओ क्या चल रही? पैर नहीं है यार। नहीं, ये कुछ और है, ये चेक कर रहे हैं। ये शेर का साइज है। क्या दिख रहे अभी? ये तो बड़ा खतरनाक पैरों की निशान है यार। अगर ये जानवर है तो बहुत बड़ा जानवर है। और ये देखें, देखें वहाँ जा रहे हैं। ये किधर? उधर उस तरफ अंदर। ये जा रहे हैं अंदर। नहीं खुलेगा सर, वो जाम है बिल्कुल मिट्टी से। कहते हैं पुरसरार जगहों पे मौसम की बहुत ज़्यादा चेंजिंग आप महसूस करते हैं, जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत ऐसा लग रहा है जितना मैं अंदर जा रहा हूँ या खुद ही जा रही है जगह, जैसे फ्रीजर के पास आप जाते हैं वैसा कुछ माहौल। यार ये सांप का तो नहीं है? यार मुझे कुछ लग रहा है इस तरीके। ये सांप का तो नहीं है? ऐसे ही बनाता है। देखें ऐसे ही बनाता है वो। क्या बताने? सांप अंडे जहाँ देता है सांप। हाँ हाँ। ओए होए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। ये मुझे लग रहा है दोस्त तहखाने की तरफ कोई रास्ता जा रहा था जो अब नहीं जा रहा।
ये भी तो कोई गेट होगा ना, या तो शायद इस दरवाजे को इन्होंने दीवार से बंद कर दिया। बच बचा के साथ ना चिंगा फिर यार, इनका ये हाल किसने किया है? ये तीन यार कौन सा जानवर है ये? मतलब ना ये बिल्ली का पैर है ना ये कुत्ते का पैर है, तो फिर किसका पैर है ये? और वो है गोश्त खाने वाला कोई? यार यहाँ भी सीढ़ियाँ कभी होती थी, तोड़ दी हैं, टूट गई हैं, उसकी जगह यही सीढ़ियाँ दोबारा मैंने क्या है ट्राइफिल्ड निकालो वो से नीचे एडिटिंग हो गई यहाँ, यहाँ लाइट का सवाल ही पैदा नहीं होता। यार मेरा हार्ट बीट चल रही है, मुझे पता है एकदम अच्छा। मेरी हार्ट बीट तेज हो जा रहा है, जब से रीडिंग आनी शुरू हुई ना अंदर से झोंका झोंका आया है और दोबारा हो रहा है। क्या रीज़न है इसका? कुछ कोई रीज़न नहीं, अननोन कोई लॉजिकल रीज़न नहीं। रूहों के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज तो होता है ना, ये देख रहे हैं इसी किस्म का इसलिए रिकॉर्ड करें। ये बार बार अलार्म दे रहा है यार, ये मुझे ये रुक एक ही जगह पर रुक के खुद ही क्यों दे रहा है अलार्म? कोई एक रीज़न इसका, कोई और नहीं, फ्लक्चुएशन का कोई रीज़न नहीं हो सकता। मतलब अगर किसी जगह पर करंट आता होता तो उस जगह पर उतनी ही रीडिंग रहती है, आ रहा और जाना जो है ना। ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर, मैं ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था हैवी रीडिंग्स, यहाँ नहीं कर रहा था इतनी। यार जल्दी आओ बेटे कितनी ढेर लगा मैं कितने सालों से ये पहाड़ियाँ आप देख रहे होंगे, ये सिर्फ दिखाने का मकसद आपको ये है कि अंदाज़ा लगा लें कि कितने अरसे से जगह नहीं आई। हमें पता चला कि 50 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ कोई आया नहीं। ये काम बहुत पुराना और समझने की खूबसूरती से भरपूर कहूँगा मैं इसको कि, और ये शीशे का काम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हुआ है, ये कोई बहुत कदीम जगह कहूँगा इसको कि ये है जहाँ पे हम आ गए। जी ये बर्मा टीक होगी, ये दियार कुछ ऐसी कोई लकड़ी होगी। आए इधर, मेरे ख्याल से उन्होंने जी हाँ क्या हुआ? ओए ये हिस्सा वो नीचे का है।
देख के मौसम देख के बहुत देख के। ये कोई मजाक नहीं है, ये रीडिंग्स, ये जगह, वो मिट्टी की तह, वो पहाड़ियाँ, ये बॉल्स, और 50-60 साल से ये जगह ऐसी की ऐसी है। 4 साल स्कूल चला, उसके बाद से सब वाइंड अप। मैं पिछले 8 साल से यहाँ आने की कोशिश कर रहा हूँ, फाइनली आई एम हेयर टू इन्वेस्टिगेट। आई आ जाओ यार, इधर आ जाओ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही सुन भाई, बिल्ली कुत्ता नज़र नहीं आया, उनके पाँव के निशान नहीं मिले, जो निशान मिले वो ना बिल्ली के हैं ना कुत्ते के हैं। इतने बड़े निशान, इतने बड़े पैर किसको? पीछे हो जा, पीछे हो जा। क्या तुम वो लड़की हो जिसने खुदकुशी की थी यहाँ पे? अचानक बहुत ही शुरू हो गए जानवर हमारे अंदर कदम रखते जाते हैं यहाँ पर। अच्छा यार एक बात बता रहा हूँ मैं, इस जगह पर ना बाकी चीज़ों के अलावा इधर सांप और बिच्छू का बड़ा खतरा है, बहुत ख्याल से और एहतियात से देखकर चलना। यार ये शूट करो। ऊपर से आवाज आई किसी अलमारी नुमा लकड़ी की या भारी चीज की, किसी जैसे कोई ड्रॉ खुलता है या बंद होता है ना, वैसी आवाज आई ऊपर से। मौसम कोई लॉजिक आ रही है इसकी तुम्हारे पास यार? ईएमएफ की रीडिंग्स की रूम में बढ़ रहा हूं, ईएमएफ की रीडिंग्स की जैसे जैसे मैं रूम में बढ़ रहा हूं बस वैसे।
यार कबूतर और चमगादड़ दोनों जगह तो नहीं होते। ईएमएफओ क्या हुआ, ईएमएफओ क्या हुआ है? लाइट नीचे कर जाएगा, लाइट नीचे कर जाएगा। ओए होए 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 यार दिन में इतनी तो नहीं थी मोशन यहाँ पे, दिन में यहाँ रीडिंग थी मोशन कितनी नहीं मोशन, क्या क्या हुआ, खैरियत है? यहाँ कुछ मामला इस वक्त कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल महसूस हो रहा है। ये एक जगह पर खड़े खड़े रीडिंग जीरो से यहाँ तक आई है अचानक, एक जगह पर बगैर किसी मूवमेंट के। दिन में कहाँ पे रीडिंग आ रही थी? इस जगह पर। मगर यार रीडिंग इस वक्त तो हर जगह ही है। मौसम रीडिंग्स तो आ रही है ना, रीडिंग्स तो आ रही है, बंद कर दें क्योंकि बहुत सी आवाज़ें और भी मैं महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें आई, मुझे भी आई अभी। मुझे ये डिस्टर्बेंस है, ये एक जगह बैठ क्यों नहीं रहा? ऐसा लग रहा है इस हवेली के आसपास बहुत सारे जानवर आ गए और वो जो है भौंकना शुरू। कोई दिखा तुम्हें? नहीं, मुझे बिल्ली की आवाज़ आई अभी। यार बिल्ली तो नहीं है कोई नज़र नहीं। हालांकि यहाँ जो मैं दिन में निशान मिले थे जानवरों के पाँव के, वो कितने अजीब से थे यार। मैं एक बार दोबारा आपको बताता हूँ कि 55 साल से यहाँ मतलब इसको इस्तेमाल नहीं किया गया इस जगह को। अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं यहाँ पे, इन्होंने बकरीद के दिनों में अपने जानवर बांधे थे यहाँ पे कि यार यूटिलाइज़ कर लेते हैं, जगह है नहीं यहाँ बांध देते हैं। उन्होंने जानवर बांधे, सुबह वो आए तमाम जानवर मर चुके थे, इसकी वजह पता नहीं। मैंने लोकल से यहाँ के बात की थी ऑफ द कैमरा, जो उन्होंने मतलब इनकार कर दिया था आने से कैमरा पर, उन्होंने मुझे वाकयात बताए थे यहाँ के, एक ये और एक वो लड़की वाला जिसने खुदकुशी की थी। इसकी कोई एक रीज़न बताओ मुझे यार, आप क्यों नहीं दे रहे रीडिंग से? भाई यहाँ पे कोई अननोन सोर्स को कोई थी जिसकी एनर्जी डिटेक्ट कर रहा था, लेकिन अब वो इर्द गिर्द नहीं है हमारे। ये तो वाजे, ओए वहाँ भी नहीं आ रही, जीरो रीडिंग्स। अच्छा भी वहाँ उस जगह पे बहुत हाई रीडिंग शो हो रही है। मुझे बैग की वजह से यार इसकी, यार ये क्या हुआ? ये एक वाजे साइन है जो किसी को डिटेक्ट कर रहा था, ईएमएफ को हमारे आसपास मौजूद था, जिसकी वजह से रीडिंग्स आ रही थी, अब नहीं आ रही। वहाँ पे जहाँ ये अभी फटने वाला था, इतने इतनी हाई रीडिंग दे रहा था और अब नहीं है। खैर ये उठा रहा, इसको अपने रास्ते में रखना। यार मुसिन, ये साइंस अच्छे नहीं हैं। ये जानवर, ये अजीब और गरीब सी आवाज़ें जो है ना, ये चीज जा रही है फिर हमारे करीब आ रही है, फिर जा रही है। यार स्ट्रेंज है यार, रीडिंग के आने से मैं कभी कभार हम लोग नॉर्मली परेशान हो जाते हैं। ये वाहिद जगह है यहाँ रीडिंग ना आने से मैं वाकई टेंशन में आ गया हूँ। यहाँ रीडिंग क्यों नहीं आ रही, कहाँ चली गई अचानक से? हम पूरा दिन हमने यहाँ पर जितनी भी जगहों पर देखा है, हमको हर तरह की रीडिंग्स मिलती नहीं है। और जब हम एंटर हुए थे तो ये फट रहा था रीडिंग से, पूरे एंट्रेंस से शुरू होते अब बिल्कुल जीरो रीडिंग। यार ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम वो लड़की हो जिसने कुछ खुशी की थी यहाँ पे? आराम से ये क्या हुआ था इसको? यार ये अच्छा नहीं है यार, एक ही जगह। ये देखो अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यहाँ ठंड है। ये क्या था, ये क्या था? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कुछ बंद होने अभी तो नहीं।
ना करो यार, मैंने सुन लिया धब जैसे कोई दरवाजा बंद हुआ। अजीब किस्म की आवाज है, कोई नीचे खड़ा हुआ इस वक्त। क्या हो गया तुम्हें, ऊपर से नीचे कुछ मामला इस तरह के? भागना नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं। मोशन सेंसर यहाँ पे प्लेस कर दिया, अगर किसी भी किस्म की कोई मूवमेंट होगी तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। यार मैं पता क्या करता हूँ, जब कोई आवाज़ आती है मैं आप पांचों को देखता हूँ कि हम पांचों यहीं पे हैं नहीं है, और जब हम पांचों यहीं राइट हुआ मैंने अभी यही नोट किया आवाज़ ही, मैंने तुम सबको देखा कि तुम लोग यहाँ हो या नहीं हो, सकता किसी के पाँव से आई आवाज़, लेकिन तुम लोग यहीं होते हो यार, फिर वो आवाज़ कौन निकाल रहा है? इस तरीके से तुम अलार्म के साथ ऑन कर, ऑन कर, ऑन कर, ऑन कर, ऑन पे हो, पीछे से ही बजाएगा उसे। अस्तगफिरुल्लाह, ये अस्तगफिरुल्लाह सर बजाया यार। क्या कोई तुम जो भी हो वो यहाँ से गुजर सकते हो दोबारा? सजाद निकल यहाँ से, मोहसिन आराम से, सजाद निकल यहाँ से, जो तूने सुनना पता नहीं, जो मैंने सुना वो तुम लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। छन की आवाज एक दफा सुनी? भारी भारी आवाज है, बहुत भारी आवाज है यार। तूने क्या सुना? देखो वो पीछे एकदम, तूने क्या सुना था? छन छन के अंदर कई स्टेप सुने अपनी तरफ बढ़ते हुए। मैंने यहाँ पे भी सुनी, दोबारा आ गए। मेरी बात सुने, आप जो कोई भी हैं, हम यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए, हमारे इक्विपमेंट्स अंदर हैं और हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या तुम वो लड़की हो जिसने खुदकुशी की थी यहाँ पे? इसमें तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी और वो आवाजें भी जो शायद हम भी ना सुन सकें। तो हमसे प्लीज बात करो, हम तुमसे तुम्हारे लिए आए हैं इतनी दूर यहां से। क्या तुम वो लड़की हो जिसने खुदकुशी की थी यहां पे? लोग कहते हैं तुम यहां नहीं हो। क्या तुम यहां पे हो? ये छन छन की आवाज तुम्हारी है? क्या तुम लड़की हो? यस। हमारे आने से तुम्हें तकलीफ पहुंची है? अपनी कोई निशानी दो, कोई भी चीज हमें बगैर नुकसान पहुंचाए। अगर हमारे हमारे यहां से तुम्हें हमारे यहां से तुम्हें
अगर हमारे यहाँ यहाँ से तुम्हें तकलीफ पहुँची है तो हम माजरत चाहते हैं। खिड़कियाँ दरवाजे ऐसे बज रहे हैं जैसे कोई खोल बंद कर रहा है। यही आवाज पहले आई थी जो मैंने कहा ना कोई बंद कर रहा है, सुनी तो? हाँ हाँ मैंने तो आवाज हमें आवाजें अंदर से सामने जो दरवाजे हैं आवाज नहीं इसकी कोई जोर जोर से उनको बंद खोल कर रहा है जोर जोर से। हम अभी इसी से आए ना कि बंद कैसे रुके यार रुके भाई डोंट गेट पैनिक यार वो बंद हो बिल्ली के बच्चों की आवाजें आ रही थी जान एक दफा मैंने भी सुनी थी बिल्ली के बच्चे की आवाज़ सुनी थी ना मैंने। ठीक है यार गुंजान आबाद इलाके की आवाज़ें आ सकती हैं लेकिन यार कुछ आवाज़ें ऐसी थी जो बहुत करीब से आ रही थी यार मुझे सोचा था मेरे आसपास पास कोई मौजूद है यहाँ भी नहीं सिर्फ ऊपर भी नीचे भी हर जगह पे थी यार ये आवाज़ें। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमें लग रहा था जैसे कुछ चीज़ है जो बार बार हमारे करीब आती है और नज़र नहीं आती और बिलाखिर जब काशिफ ने उस चीज़ को पहले देखा और जब हमने देखा तो आप यकीन जानिए वो चीज़ हमें नज़र आई हमारे करीब आते हुए। तुमने देखा? वो कोई काली सी चीज थी कोई साया था जो इस शेप में था जो बकायदा हमें महसूस हो रहा था कि वो किसी चीज का साया है वो साया नजर आ रहा था वो चीज नजर नहीं आ रही थी। और यहाँ तक कि जब हम सीढ़ियों के पास पहुँच के नीचे उतरने वाले थे मैंने कैमरा पीछे घुमा के देखा तो उसकी आंखें दोबारा चमकी। मतलब वो चीज़ उस वक्त भी हमारे पीछे आ रही थी। ये वही कमरा था जहाँ वो बड़े बड़े पाँव के निशान हमें नज़र आए और वो निशान
हमने आज तक नहीं देखे किसी जानवर के इस तरह के निशान हो। वल्लाह आलम वो निशान किस मखलूक के थे, किस चीज़ के थे, लेकिन आज से पहले हम वो निशान नहीं देखे। वही सीढ़ी जा रही है, हाथ रखो जा रही है सीढ़ी, जा रही है। और यही कुछ वाकयात थे जो हमारे साथ वहाँ हुए। मैं चाहूँगा एक बार आप खुद देखें और खुद फैसला कीजिए कि वो क्या है। भारी आवाज़ है, बहुत भारी आवाज़ है यार।